हेलो स्टूडेंट, आज हम यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को परसेंटेज बताने जा रहे हैं। देखिए, परसेंटेज है 7%। देखिए, परसेंटेज का मतलब है प्रतिशत, प्रतिशत। तो जैसे मान ले कि हमको परसेंटेज में अगर कोई दिया हुआ है, उसको फ्रैक्शन में लाना रहेगा। 7% मान लिया कि है, तो 7% है, तो परसेंटेज मतलब प्रतिशत, मतलब 100, मतलब 100 से भागा देना है इसमें, तो मतलब 7/100। तो 7% है तो मतलब 7/100 हो गया। तो इस कटेगा नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अभी अगर 8% का करना रहेगा, इसको फ्रैक्शन में लाना रहेगा। परसेंटेज को फ्रैक्शन में लाने के लिए बता रहे हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में लाना है तो 8% है तो मतलब 8/100 हो गया। तो इसको काटेंगे कितना से कटेगा, 4 से कटेगा, 50 हो जाएगा। अब 2 से कटेगा, 25 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, नहीं कटेगा, तब उसको लिख देंगे 2/25 हो गया। इसी प्रकार 10% आ गया, तो 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है 10%, परसेंट मतलब बटा 100। तो 10 से 10 हो गया, मतलब 1/10 हो गया आंसर। उसके बाद 20% को फ्रैक्शन में बदलते हैं, तो 20% हो गया, तो 20/100 हो गया। तो 20/100 हो गया, तो 25 इसको काटेंगे, कटेगा तो काट देंगे, तो 20/100 तो 1/5 हो गया, हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 25%, तो 25% को हमको फ्रैक्शन में बदलना है, 25% प्रतिशत मतलब 100 हो गया, तो 25/100 हो गया, इसको काटेंगे, 25 चौक 100 मतलब 1/4 हो गया, तो हमारा 1/4 हो गया। उसी प्रकार 80% हो जाएगा, तो 80% का क्या हो जाएगा, 80/100 हो जाएगा, तो 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, मतलब 4/5 ही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगर आपको दिया हुआ रहेगा 30 ऑफ 30%, तो 30 ऑफ मतलब गुना होता है, 30%, प्रतिशत मतलब 100 बोले हम जी, तो 100 से भागा दे देंगे बच्चों, तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 3 9 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार 100 ऑफ 20%, तो 100 ऑफ, तो देखिए इसको कैसे करते हैं, तो 100 ऑफ, ऑफ का मतलब गुना होता है, 20/100 हो गया, 0 से 0 हो गया, मतलब 20 क्या हो गया हमारा, 20 आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार 125 ऑफ 20%, 125 ऑफ 20% है, तो क्या हो गया, 125 ऑफ का मतलब गुना हो गया, अब 20% 20/100 हो जाएगा, 20/100 हो जाएगा, अब इसको काटेंगे, 25 से कट जाएगा, ये हमारा 25 आंसर हो जाएगा। देखिए आगे, 30 ऑफ 120%, तो 30 ऑफ 120% है, तो 30 ऑफ मतलब क्या होता है, गुना, तो 120/100, 10 से 10 बढ़ती है 36, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे हम थोड़ा सा इसमें बढ़ते हैं, अगर x का मान अगर आप लोगों को आता है, तो देखिए इसमें परसेंटेज में x का मान अगर आप लोगों को निकालने आता होगा, हमने बताया है पहले, और x का मान अगर निकालने के लिए आता होगा बच्चों, तो थोड़ा सा आप देखिए कैसे परसेंटेज अगर इंक्लूड कर देते हैं तो कैसे x का मान निकालते हैं इसमें। जैसे देखिए, x ऑफ 30% बराबर 20, तो हमारा एक क्वेश्चन है, x ऑफ 30% बराबर 20, तो देखो बच्चों, तो यहाँ पे x ऑफ का मतलब गुना होता है, 30%, 30/100 हो जाएगा, 10 से 10 बराबर 20 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3x बराबर, अब नीचे 1 है, तो इसको नीचे को ऊपर से ऊपर को नीचे से कर देंगे, ऊपर को नीचे से नीचे को ऊपर से, तो यहाँ 3 × x हो गया, 3x हो जाएगा, यहाँ पे 20 × 10 हो जाएगा, मतलब 200 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया, 200/3 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, x ऑफ 40% है हमारा, x ऑफ 40% बराबर 20 है, तो x × 40/100 हो जाएगा, x × 40/100 हो जाएगा, तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इतना बराबर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा,
तो यहाँ पे देखिए 2 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, तो 2x बटे 5 बराबर 20 है, 2x बटे 5 बराबर 20 है, तो इसको नहीं ऊपर तो नीचे से, नीचे को ऊपर से कर देंगे, तो इसको इससे गुणा करेंगे, 2x बराबर बी बचे 100, तो x बराबर 100 बटे 2, तो कितना हो गया 50, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हमारा प्रतिशत दिया हुआ है, परसेंटेज के फॉर्म में x का मान निकालना है, तो उसको इस फॉर्म में निकालेंगे। आगे हम देखिए, हमने जैसे आप लोगों को बता दिया है, अगर x का मान निकालने नहीं आता तो थोड़ा सा देख लीजिए, x बटा 4 बराबर 2 है और नीचे 1 है, तो नीचे को ऊपर से गुणा करते थे, ऊपर को नीचे से करते हैं, तो ऊपर को नीचे से करते हैं तो 3x हो जाता है बराबर, यहाँ पे इम्प्लाइज लिखाएंगे, तो 3 इसको इससे, तो 3x गुणे 1 और यहाँ पे 4 गुणे 2 हो गया, तो x बराबर कितना हो गया 4 गुणे 2, इधर गुना है तो इधर भागा हो जाएगा, तो 4 दुनी 8 बटा 3, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो x का मान इसी तरह निकालते हैं, इसमें है जो देखिए, अगर आपको 4x प्लस 40 प्रतिशत बराबर 80 है, 4x ऑफ 40 प्रतिशत बराबर 80 है, तो इसमें x का मान कैसे निकालते हैं, देखिए सबसे पहले 4x गुने 40 प्रतिशत है, तो प्रतिशत मतलब क्या होता है 40 बटे 100 हो जाता है बराबर 80 हो जाएगा, ये 0 से 0 हो जाएगा। अब देखिए और कटेगा, 2 से कट जाएगा, 5 दुनी तो 4, ऊपर में 4 है और 2 है, तो 4 दुनी 8 हो जाएगा, यहाँ पे इम्प्लाइज सब में होगा, 4 दुनी 8 बटा 5 बराबर 80 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर टर्म को नीचे से, बोले थे ना ऊपर को नीचे से, नीचे को ऊपर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे 8 को 1 से, तो 8x बराबर 80 गुने 5 हो जाएगा, तो x बराबर 80 गुने 5 बटे 8 हो गया, 10 है 80, 10 5 50, ये हमारा आंसर हो गया। एक समान इसी तरह निकालते हैं। अगर हमने बताया आप लोगों बच्चों, देखिए हमारा अगर परसेंटेज के फॉर्म में है, x का मान निकालना है, तो उसको इस तरह निकालेंगे। इस पे और प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं। लोगों को अगर 10x ऑफ 20 प्रतिशत दिया हुआ है, अगर 25 है, 10x ऑफ 20% बराबर 25 है, तो यहां पे देखिए 10x गुने 20 प्रतिशत मतलब बटा 100 बराबर 25 हो गया। अब काटेगा तो काट देंगे, 20 25 100 हो जाएगा, 5 2 10 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया 2x बराबर 25 हो गया, तो x बराबर क्या हो गया 25 बटा 2 हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कैसे 10x ऑफ 20% है, 10x ऑफ 20% बराबर 25 है, 10x लिख दिया यहाँ पे 20% है, ऑफ मतलब गुना होता है, 20% है तो 20 बटे 100 हो गया, आप 20 25 100 कट जाएगा, जहां अंक ज्यादा रहेगा वही अंक लिखाता है, तो यहाँ अंक 100 अंक ज्यादा है 20 से, तब 20 25 100 तो यहाँ 5 हो गया। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे ऊपर में 2 है सिर्फ, 2 × x हो गया, यहाँ पे 25 है तो 2 × x बराबर 25 हो गया, तो x बराबर 25 बटा 2 हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे अगर इसी में दिया हुआ रहेगा 3x ऑफ 40 प्लस 4x ऑफ 30 बराबर 100, तो देखिए बाबू बच्चों इसमें यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है, तो परसेंटेज के फॉर्म में है, तो इसमें x का मान निकालना है, तो सबसे पहले परसेंटेज को सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ पे इम्प्लाइज लिखेंगे 3x ऑफ, ऑफ मतलब गुना हो गया 40 बटा 100 प्लस 4x गुना 30 बटा 100 बराबर कितना है 100 है, तो परसेंटेज का मतलब 100 कर दिए, 0 से 0 जो कटेगा उसको काट देंगे। अब देखिए यहाँ पे चलती है 12x बटा 10 हो गया, इम्प्लाइज ऊपर में देखिए चलती है 12x बटा 10, वो भी 12x बटा 10 हो गया बराबर 100 हो गया। तब इसका देखिए भिन्न का जोड़ निकालने आता है ना, तो 10 का 10 हो गया, 10 से 100 हो जाएगा, 10 को 10 से भाग करेंगे 1 होगा, 1 को ऊपर से गुणा करेंगे 12x हो जाएगा, 10 को 10 से भाग करेंगे 1 होगा और 1 को ऊपर से गुणा करेंगे 12x हो जाएगा बराबर 100 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज यहाँ पे लिखेंगे 12 × 24x बटे 10 बराबर 100 हो गया, तो x बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोले थे ना, तो 100 × 10/24 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 1000/24, 6 × 24 और 25 × 100 250 हो जाएगा, फिर 3 से कटेगा 125, आंसर 1 करोड़ कितना हो गया 125/3 हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको अगर समझ में अगर आपको लोग नहीं आया तो फिर से इसको वीडियो प्ले कर सकते हैं, आप इसको फिर से वीडियो प्ले करके देख सकते हैं, फिर से उसको रिमाइंड करके देख सकते हैं और उसको प्रॉपरली समझने के बाद ही बनाएगा, इस पर हम प्रॉब्लम भी दे देंगे बनाने के लिए आप लोग को। आगे देखिए इसमें कैसे करेंगे, 5x ऑफ है, ऑफ का गुना हो जाएगा 30 बटा 100 हो जाएगा, प्लस 8x गुना
आपको मतलब गुना हो जाएगा, 40 बटा 100 हो जाएगा, अब बराबर 90 हो जाएगा। तो देखिए जो जीरो से जीरो काट देंगे, इसको जीरो से जीरो काट देंगे, तो यहाँ पे कितना हो गया, 5 × 15 एक्स बटे 10 हो गया, इम्प्लाइज यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और 4 × 32 एक्स बटे 10 हो जाएगा, बराबर 90 हो जाएगा। अब देखिए इसका लसा कितना है, 10 है, तो 15 × 32 बराबर 90 बटा 10। अब देखिए ये दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 5 × 2 = 7 हो जाएगा, और 3 × 1 = 4 हो जाएगा, 47 / 10 बराबर 90/100। हम बोले थे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है x का मान निकालने के लिए, तो यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 47 को x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 47x बराबर 90 × 10 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 900/47 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम अगर परसेंटेज में एक्स का मान निकालने के लिए दिया हुआ है तो उसको इस तरह के सॉल्व करेंगे। आगे देखिए 7x of 3% प्लस 8x of 40% बराबर 50। तो यहां पे देखिए कैसे करेंगे, 7x of 30% तो प्रतिशत मतलब बटा 100, प्लस 8x × 40% है, 40/100 बराबर 50। अब देखिए 7 × 21 210x/100 हो जाएगा, जीरो से जीरो काट देंगे, यहाँ पे जीरो से जीरो काट दिए, जीरो से जीरो काटने के बाद 7 × 21x/10 हो जाएगा, यहाँ पे 8 × 32x/10 हो जाएगा बराबर 50 हो जाएगा। अब इसका देखिए इसका लसा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इसका लसा 10 हो जाएगा, तो 21x + 32x/50 हो जाएगा, इसको जोड़िए कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 53/10 बराबर 50 हो जाएगा, तो नीचे का ऊपर से ऊपर का नीचे से गुना कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए 53 को एक से करेंगे तो 53x हो जाएगा, अब देखिए 50 को 10 से, तो एक्स बराबर कितना हो गया, 500/53 ही नहीं कटेगा, 100 + 100 = 40%। तो देखिए इसको यहाँ पे 9x है, तो इम्प्लाइज यहाँ पे दोनों तरफ हमारा x है, दोनों तरफ बिना एक्स भी है, परसेंटेज भी है, तो सबसे पहले परसेंटेज को सॉल्व कर लेंगे, 30/100 + 100 of 40/100 प्रतिशत है बराबर 8x of 70/100 प्लस 80 of 50/100, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, अभी जीरो से जीरो कट जाएगा, अब देखिए ए भी जीरो से जीरो, ए भी जीरो से जीरो कट जाएगा, दोगो कट जाएगा, तो यहाँ पे देखिए अब एक्स वाला टर्म को एक तरफ कर देना है, तो इम्प्लाइज यहाँ पे 9 × 3 यहाँ पे जीरो से जीरो काट देंगे, तो यहाँ पे 9 × 3 = 27x/10 हो गया, अब इधर भी एक्स, ई एक्स नहीं आया तो इसको उधर कर देंगे, एक्स वाले को एलएचएस में ले आएंगे, जो आरएचएस में है उसको एलएचएस में, एलएचएस में जो आरएचएस में ले आ जाएंगे, बिना एक्स वाला को एलएचएस में ले आएंगे, तो यहाँ पे 8 × 56x/10 बराबर 8 × 5 = 40 है, अब इसको इधर कर देंगे तो माइनस 10 × 4 = 40 हो जाएगा, तो ये दोनों 40 है तो ये कट जाएगा, ये अलग बात है कि जीरो हो जाएगा, अगर दूसरा चीज आता तो वहां पे अंक हो जाता। अब देखिए यहां पे क्या करेंगे, इसका लसा 10 हो जाएगा, तो यहां पे अभी 27x - 56x हो जाएगा बराबर जीरो, अब ये जीरो आ गया तो इम्प्लाइज यहाँ पे एक्स का मान, इसको घटा करके लिखेंगे लेकिन एक्स इम्प्लाइज यहाँ पे एक्स का मान जीरो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे हम इस पे हम बनाने के लिए दे देते हैं 20 क्वेश्चन, थोड़ा सा घर पे प्रैक्टिस करिएगा आप लोग बाबू, इसको उतार करके घर पे प्रैक्टिस करिएगा, पाउज करके इसको उतार लीजिएगा और इसको प्रैक्टिस करिएगा।
अब यहां से x का मान निकालना है, ये हमारा कॉन्सेप्ट पब्लिक स्कूल का यूट्यूब का चैनल है। प्लीज आप लोग लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। आप जितना ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं, और इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा वीडियो। वीडियो को देखने के बाद आप इसको जो प्रॉब्लम दिया हुआ है उसको पॉज करके आप कॉपी पे उतार लीजिएगा और उसको घर पे बैठ के बनाइएगा। डेली हम ऐसा वीडियो आते रहेंगे। थैंक यू।